Good morning, students. Lesson work energy and power कर रहे थे हम. Work energy and power. मैंने सारे questions आपको NCERT के करा दिए थे इस lesson के. All the questions of NCERT हमने किए थे और आज कुछ terms और कुछ additional question मैं आपको कराऊंगा related to this lesson, ताकि कोई भी question ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका answer आपको ना आए. तो मैं आपके doubts भी लूंगा और कुछ additional question भी आपको कराऊंगा और lesson को मैं थोड़ा सा revise भी कराऊंगा. ठीक है students? तो टर्म्स क्या क्या अभी आप देखिए, रिकलेक्ट करिए कि आपने इस लेसन के अंदर वर्क एनर्जी एंड पावर इस लेसन के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था. सबसे पहले आपने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी. वर्क इज सेट टू बी डन, सेट टू बी डन इफ फोर्स इज applied on an object and object displaces and object displaces means क्या है, अगर मैं force लगाता हूं किसी object के ऊपर और object displace करता है, means force into displacement. कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था, तीन मैंने डायग्राम बताए थे स्टूडेंट्स कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होता है. इस केस में वर्क डन होगा और किस टाइप का वर्क डन होगा. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन. वन इज अ पॉजिटिव वर्क डन. फिर क्या था, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और क्या था, जीरो वर्क डन. क्लियर है? पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, मीन जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन. अगर फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन. ये पॉजिटिव है. ठीक है, ये अगर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, when force is applied in the perpendicular direction और यहाँ पे object displaced हुआ है नहीं और ये force लग दिया 90 degree पे, यहाँ पे क्या होगा, zero work done. Is it clear students? तीनों चीजें clear है आपको कि force जब लगाते हैं when object displaced in the same directions in which the force is being applied, जिस direction में force लगा रहे हैं उसी direction में अगर object displaced होता है, that time we can say that the work is positive work done. तब हम कह सकते हैं कि work done जो हुआ वो positive हुआ. Object पे force लगा और object भी उसी direction में move हो गया, that time we can say that positive work has been done. Is it clear? और अगर हम force लगाते हैं student और object displace करता है opposite direction में, that time it is a negative work done. ठीक है, और zero work done है when force is applied on the object 90 degree पे force लगती है, तो उस समय work done क्या होगा, zero. Actual में जो मैंने आपको बताया था, the formula of the work done is W is equal to F into S into cos theta, where theta is a angle of theta is a
theta is a angle of inclinations, angle of अभी ये cos theta जो है cos theta अगर ये zero है तो क्या होगा cos zero की value क्या हो जाएगी one तो positive work done हो जाएगा होएगा और अगर cos जो है ये कितना है cos theta जो है अगर 180 degree है तो ये value क्या हो जाएगी minus one हो जाएगी और अगर cos जो है cos theta अगर ये 90 degree पे है तो यहाँ पे क्या value हो जाएगी zero Clear students? Is it clear कि positive work done किस केस में होता है? Negative work done कब होगा? और zero work done कब होगा? मैंने लिखा है work is said to be done when force is applied on the object and object displaces means object में जो अपनी जगह से move होना चाहिए तभी हम बोलेंगे work done हुआ। मान लो एक दीवार है students। एग्जाम्पल एक दीवार है उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस दीवार अपनी जगह से हिली नहीं है तो हम क्या कहेंगे वर्क है फोर्स तो लगा बट वर्क क्या हुआ जीरो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क डन जीरो है मैंने हैवी स्टोन का भी एग्जाम्पल दिया था आपको बताया था बहुत हैवी स्टोन है फोर्स लगा रहे हैं पांच लोग दस लोग उस पर बट वो पत्थर अपनी जगह से हिला ही नहीं फोर्स तो लगा फोर्स लगाने वाले थक भी गए टायर्ड भी हो गए बट अल्टीमेटली रिजल्ट के देखा जाए साइंटिफिकली टेक्निकली में अगर देखा जाए में से देखा जाए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ तो उसके इसमें क्या होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि वर्क नहीं हुआ ऑब्जेक्ट मूव हो जाता फोर्स लगती ऑब्जेक्ट मूव हो जाता यस वर्क हैज बीन डन ठीक है और अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगे तब जीरो वर्क डन है मैंने पोर्टर का एग्जांपल दिया था ठीक है कुली का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कुली है सिर पे वजन उठाकर खड़ा हुआ है उसके बाद में साइंस कहती है कि यस उसने वर्क नहीं किया अल्टीमेटली क्योंकि जो फोर्स है लोड का जो फोर्स है परपेंडिकुलर है फोर्स लग रहा है बट अल्टीमेटली वो तो टायर्ड हो गया ना पुली तो टायर्ड हो गया बोझ उठाकर कर रहा है इस केस में भी वर्क जीरो स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग द एग्जाम फॉर 3 आवर टायर्ड हो गए थक गए साइंस कहती है कि इस केस में भी वर्क डन क्या है जीरो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स व्हिच कैन एक्सप्लेन कि कब वर्क हुआ पॉजिटिव वर्क कब होता है नेगेटिव वर्क कब होता है जीरो वर्क कब होता है मैंने स्टूडेंट बताया था कि नेगेटिव वर्क डन कब होगा नेगेटिव वर्क डन की मैंने बताया था नेगेटिव वर्क डन कब होगा बॉल रोल कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर थोड़ी देर के बाद अपने आप स्टॉप हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो जो है बॉल थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाता है क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में जो कॉन्टेक्ट दैट इज इंटरलॉकिंग बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल ग्राउंड और जो बॉल है जिस मटेरियल से बॉल बनी हुई है उनके बीच में एक इंटरलॉकिंग हो जाता है दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स और उसी कारण से बॉल थोड़ी देर के बाद रोल होने के बाद में रुक जाता है आपने नोट किया होगा स्टूडेंट जब कभी कभी फास्ट बॉलर है जब बॉलिंग के लिए जाता है तो वो क्या करता है कि जो बॉल है उसको बार बार रब करता है अपने कपड़ों से उसको रब इसलिए करता है ताकि उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए ताकि उसकी जो रफनेस थी जो उसके बिल्कुल जो मटेरियल जिससे बना हुआ है बॉल तो उसके जो रफनेस आ गई है उसमें थोड़ी स्मूथनेस लाने के लिए वो क्या करेगा उसको थोड़ा उसको रब करता है ताकि क्लियर कर देगा उसमें क्या होगा सो दैट कि कोई भी जो नेगेटिव इफेक्ट उस पर ना आए इज इट क्लियर और जीरो वर्क डन तो मैंने आपको बता दिया क्या है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ Zero work done. ठीक है Please note down if you want to note down. Quickly note करिएगा students. Next topic तो मैं आपको कराता हूँ energy के बारे में Then further power के बारे में detail में बात करेंगे Lesson को completely मैं आज दोबारा से करा रहा हूँ
please note down. Please note down all the terms, work, mathematically formula of the work, positive work done, negative work done, zero work done. Note कर लीजिएगा student जल्दी से. Hurry up. You note it down. Now we'll talk about energy. Work के बारे में मैंने आपको बता दिया. Energy के बारे में बात करेंगे. Energy क्या है? Capacity or ability, capacity or the ability to do work called energy. ठीक है. And unit of energy, ऐसा unit क्या है energy के? Joules. Capacity or the ability to do work is called energy. और देखिए, there are two types of energy: kinetic energy or potential energy. The energy which is due to the motion of the object, that is called kinetic energy. The energy which is due to the position of the object, that is called the potential energy. Students, or kinetic energy or potential energy का मैं formula लिख रहा हूँ. Kinetic energy, it is equal to 1 by 2 mv square, or potential energy, it is equal to m into g into h. और इन दोनों को सम कर देंगे, so it will become as a total energy, that is a sum of the kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy, it is 1 by 2 mv square, or potential energy, it is m into g into h. m into g into h. दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एनर्जी और द मैकेनिकल एनर्जी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. कार या बाइक कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उस केस में काइनेटिक एनर्जी आएगी. कार इज मूविंग ऑन द रोड, बाइक इज मूविंग ऑन द रोड, इन दैट केस kinetic energy. Lifting of a object from the ground to the height, किसी height को object को lift कर रहे हैं, that case potential energy. दोनों को add mathematically मैंने बता दिया, दोनों को add कर दिया, total energy और the mechanical energy. Is it clear student? The SI unit of energy, it is joules. SI unit of energy, it is joules. Work के भी SI unit क्या है? Joules है. Because energy क्या है?
the capacity or the ability to do work. The capacity or the ability to do work is called energy. Okay? The capacity or the ability to do work is called energy. अगर आपके अंदर कोई भी वर्क को करने की एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, we can very well we can say that you are not having the energy. और स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था लेसन जब मैंने आपको कराया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है. मैं बोल रहा हूं, मेरी साउंड एनर्जी है, उसके बाद मेरे सामने माइक है, माइक कन्वर्ट कर रहा है मेरी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फर्दर लाउड स्पीकर्स हैं, दे आर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी अगेन इनटू द साउंड एनर्जी, एंड लाइक दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. प्लीज नोट डाउन, जल्दी से नोट करिएगा, फिर मैं आगे आपको करा रहा हूं, ठीक है? फास्ट. हेलो फ्रेंड्स, हैव यू नेक्स्ट है नेक्स्ट बात करेंगे पावर की. पावर के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स, पावर क्या है. रेट ऑफ doing work is called power. Rate of doing work is called power. Means work करने को जैसे time, rate का मतलब है student यहाँ पे time, directly related with the time. Means क्या है, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क अपॉन टाइम. अगर वर्क जो है वन जूल है, अगर वर्क जो है वन जूल है और टाइम वन सेकेंड है, तो जो पावर है स्टूडेंट क्या आ जाएगी, वन वाट. वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर. वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर. और यहां पे पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क. किस रेट के साथ कितना टाइम लग रहा है कोई वर्क को करने के लिए, वो उसकी पावर है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, वर्क बाई टाइम. अगर वर्क वन जूल है और टाइम वन सेकेंड है, तो पावर क्या हो जाएगी, वन वाट. वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर. क्लियर है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर पावर के बारे में. और बिगर यूनिट क्या है पावर के, इट इज किलो वाट. बिगर यूनिट क्या है, किलोवाट. वन किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट. और क्या स्टूडेंट, वन हॉर्स पावर इट इज इक्वल टू 746 वाट. इट इज इक्वल टू 746 वाट. ये भी मैंने आपको बताया. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, वन हॉर्स पावर इट इज इक्वल टू 746 वाट, एंड द वन किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट. किलो वाट इज द बिगर यूनिट. किलो वाट, मेगा वाट, मेगा का मतलब है 10 की पावर 6.
ठीक है स्टूडेंट्स, बिगर यूनिट में जाएंगे किलोवाट मेगावाट, और नॉर्मल एसआई जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड द वाट। जो वर्क डन 1 जूल है, टाइम 1 सेकंड है, दैट टाइम पावर इज 1 वाट। किलोवाट की बात कर रहे हैं 1000 वाट, हॉर्स पावर की बात करते हैं 1 हॉर्स पावर इट इज इक्वल टू 746 वाट। इज इट क्लियर स्टूडेंट दिस कंसेप्ट ऑफ पावर? इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन, नोट करिए जल्दी से। प्लीज नोट डाउन द कंसेप्ट ऑफ पावर और इसका फार्मूला, ऐसा यूनिट प्लीज नोट डाउन। हरी अब इसके बाद मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा स्टूडेंट्स। यहां तक मैंने इसलिए कराया है तीनों टर्म्स वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर मैंने इसलिए आपको करा दिया, ये दोबारा से मैंने रिवाइज इसलिए करा दिया स्टूडेंट ताकि आपको कोई भी अगर मान लो इसके अंदर कंसेप्ट समझ में नहीं आया, अगर आ गया है तो आपका रिविजन हो गया, अगर समझ में नहीं आया था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आपका कोई अगर क्वेश्चन आपको कोई चीज समझ में नहीं आई आप दोबारा से मेरे से पूछना, ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपके कोई भी आपका डाउट ना रहे, ठीक है। अभी मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इसी लेसन से रिलेटेड, जल्दी से पहले आप ये नोट कर लीजिएगा। यस स्टूडेंट्स यू माइट हैव नोटेड डाउन, अब मैं बात करा रहा हूं कभी नाउ एडिशनल क्वेश्चंस। मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ले रहा हूं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम यूनिट। मेरा क्वेश्चन आपसे है, माय क्वेश्चन इज टू यू। क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट मैंने पहले भी आपको कहा था स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ेंगे हो सकता है समझ में आ गया हो, आपको आ जाए। अगर मान लो कहीं पे आपको ऐसा लगता है कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज रीड दी स्टेटमेंट अगेन 2 times, 3 times, 4 times, डेफिनेटली आपको अगर 2 या 3 बार उसी स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, क्लियर है वर्क की यूनिट जूल है, अभी हमने बात किया है। द अदर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है दैट हैज द सेम यूनिट, जो वर्क के यूनिट है उसके भी सेम यूनिट होना चाहिए, ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, क्वेश्चन ये है। दिस इज क्वेश्चन 1, और आंसर उसका क्या बनेगा स्टूडेंट कि वर्क के यूनिट जो है वो जूल्स है और एनर्जी भी सेम फिजिकल हमारी क्वांटिटी है जिसके यूनिट क्या है जूल्स हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा, एनर्जी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द सेम यूनिट ऑफ एज वर्क इज हैविंग जूल्स, ठीक है स्टूडेंट। इज इट क्लियर? क्वेश्चन 1 क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है आपको कि क्वेश्चन में था कि वर्क के यूनिट जूल है, ऐसी कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट जूल्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी इज द अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग द सेम यूनिट एज वर्क इज हैविंग जूल, बोथ आर हैविंग जूल्स, क्लियर है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 रीड कर रहा हूं, द स्प्रिंग विल हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज, ऑप्शन दिया हुआ है स्प्रिंग, इमेजिन कर लीजिएगा, देखो इमेजिन कर लीजिएगा एक स्प्रिंग है उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब उसको
पुल्ड करेंगे या उसको कंप्रेस करेंगे, दोनों केस में कुछ ऐसे वाले स्प्रिंग होते हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब उसको कंप्रेस कर देंगे आप एकदम रिलीज करते हैं दैट टाइम मैक्सिमम एनर्जी, और जब उसको पुल खींच लेते हैं तो जैसे मान लो एक रबड़ है, इलास्टिक रबड़ है, उसको आप खींचते हैं, यू आर जस्ट देन अप्लाइंग द फोर्स आउटवर्ड, आपने स्ट्रेच कर दिया, इमीडिएटली आप उसको छोड़ रहे हैं तो इमीडिएटली क्या रिलीज कर रहे हैं, देन आल्सो इट इज हैविंग मैक्सिमम। तो यहां पे आंसर आपका जो आ जाएगा बोथ व्हेन इट इज पुल्ड आउट व्हेन इट इज कंप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर टू में क्या आएगा, व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और व्हेन इट इज पुल्ड आउट, चाहे वो स्प्रिंग है उसको आप क्या करेंगे, उसका आंसर क्या बनेगा, जब स्प्रिंग है जब उसको हम कंप्रेस करेंगे व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और पुल्ड आउट, दोनों के केस में, जब हम उसको पुल्ड आउट करेंगे या जब हम कंप्रेस कर देंगे, दोनों के केस में। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहा हूं मैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑसिलेटिंग ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज, नाउ स्टूडेंट कनेटिक एनर्जी दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, रिस्टोरिंग एनर्जी दिया है और उसके बारे में दे दिया है, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी इन दिस केस स्टूडेंट, इट विल बी द मैकेनिकल एनर्जी, पेंडुलम केस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बॉब है मींस यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से राइट साइड में, फिर अगेन इट विल कम, इट इज वन ऑसिलेशन। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा अपनी मेन पोजिशन पे दैट टाइम सिंपल पेंडुलम में, तो यहाँ पे इसमें एनर्जी कौन सी यूज हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी, इन दिस केस द एनर्जी विल बी मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी क्या है स्टूडेंट, इट इज द सम ऑफ द कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी एंड कनेटिक एनर्जी, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, मान लो ए पे है, ए से लेके आ गया बी पे, और बी से लेके फिर ए पे आएगा, ए से लेके फिर सी पे जाएगा, सी से लेके फिर जो है वो ए पे आएगा, मीन्स पहले जहां पे ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, जीरो हो गई, यहां से लेके जब गेन करेगा कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा कनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, लाइक दिस दोनों एनर्जी काम कर रहा है, सो दैट्स व्हाई मैकेनिकल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन, हरी अप, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फोर, नंबर फोर है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज ड्यू टू द, दैट इज आंसर क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, फार्मूला क्या है स्टूडेंट, एम इंटू जी इंटू एच, यहाँ पे मास भी है, ग्रेविटी भी और हाइट भी, तो इसमें क्या कहा गया कि पूछा गया ए में दिया मास है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट है, तो मीन्स तीनों चीजें हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऑल द अबाउट, कि मास भी है, ग्रेविटी भी है, हाइट भी, ऑल द थ्री, तो तीनों चीजें जो इसमें चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ऑल द थ्री, ठीक है। सो बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ द 10 मीटर्स, बॉल है हाइट, सो 10 मीटर से उसको क्या कर दिया गया कि ड्रॉप किया गया, मान लो एक बॉल है यहाँ, एक ग्राउंड है, ये बॉल है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 मीटर पे है, यहाँ पे 10 मीटर है, अब अल्टीमेटली इन दिस केस आल्सो बोथ, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी ड्रॉप नहीं किया गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसके क्या है कैनेटिक एनर्जी तो जीरो है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम है, क्योंकि हाइट जो है मैक्सिमम है, ठीक है, हाइट क्या है मैक्सिमम है, बट अल्टीमेटली जब ये ग्राउंड पे आ जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये जीरो हो जाएगी, कनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, क्या है, इज इट क्लियर। और देखिए इमेजिन करिए यहाँ मिड पॉइंट पे, और उसके बाद में
पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा मिड पॉइंट की, मैं मिड पॉइंट की बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम एट द मिड पॉइंट, बट व्हेन इट इज टचिंग टू द ग्राउंड दैट टाइम हाइट विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, जब वो यहाँ पे रह गए और बॉल यहाँ पे है, रेस्ट पे है, अभी ड्रॉप नहीं किया, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है स्टूडेंट, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इफ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मैंने आपको करा दी, दिस ए 4 था और 5 ये था, ठीक है? नाउ स्टूडेंट 6 क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, अगर उसकी वेलोसिटी जो है डबल कर दी जाए तो ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, then it will becomes, अगर उसकी velocity को डबल कर दिया जाए then kinetic energy will become as a, ultimately देखिए क्या है, it will become get double, becomes half, does not change, becomes at, it is a student, it will become a 4 times, actually क्या है formula, क्या है kinetic energy का, 1/2 mv² 1/2 है, mass कितना दिया हुआ student, mass दिया उसका जो भी है वेलोसिटी, अगर मान लो मैं कह देता 2v कर देता हूं, 2v का स्क्वायर एक्चुअली इट विल बिकम एज अ 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम एज अ 4 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स? हाउ मच टाइम विल रिक्वायर टू परफॉर्म द 520 जूल ऑफ वर्क, देन रेट इज अ 20 वाट, क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स, मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं आपको, दिया हुआ इसमें, इट इज गिवन एज अ, क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट, एनर्जी दी हुई है 520 और क्या दिया हुआ है, पावर है 20 वाट, हमको क्या करना है, टाइम निकालना है स्टूडेंट, टाइम कैलकुलेट, हमको फार्मूला ऑलरेडी वी नो दैट पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, मीन्स क्या है 520 डिवाइडेड बाई टी और पावर दी हुई है 20, नाउ स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 520 इज इक्वल टू 20 इंटू टी और टी इज इक्वल टू 520 डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिएगा, इट इज इट विल कम एज 26 सेकंड, आंसर कितना स्टूडेंट आपका 26 सेकंड, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7, go down, now if you are having any question from your side please you can ask, any doubt note.